પરિણામોની સિઝન ચાલી રહી છે અને ખાસ આપણે એક બાદ એક હિટ પરિણામો જોઈ રહ્યા છીએ. હવે એડવાન્સ એન્ઝાઇમના પણ પરિણામો આવતા જોવા મળ્યા છે, જેના રેવન્યુઝ એક્સ્ટ્રાઓર્ડનરી વધતા, તમને 20% પણ વધુ વધતા જોવા મળી રહ્યા છે અને એના કારણે પ્રોફિટને પણ ફાયદો જરૂર થયો છે. વધુ વાતચીત કરીએ એડવાન્સ એન્ઝાઇમના હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર મુકુંદ કાબરા અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. મુકુંદજી, બહોત બહોત સ્વાગત હૈ આપકા ઓર ગુડ આફ્ટરનૂન. સબસે પહેલે તો મેં પૂછના ચાહુંગા કે રેવન્યુઝ કો બહોત હી અચ્છા સપોર્ટ મિલા હૈ, તો ઇસકે બારે મેં થોડી સી વાતચીત કર લેતે હૈ. એક ચેલેન્જિંગ ક્વાર્ટર મેં, ચેલેન્જિંગ ટાઈમ્સ મેં ભી આપ દેખ રહે હૈ કે બહોત હી અચ્છા એક બિઝનેસ આપને કિયા, તો કહાં સે સપોર્ટ આયા હૈ સર, ઇસકે બાત કરતે હૈ ઓર આને વાલે વક્ત મેં ક્યા એસા હી રેવન્યુ ગ્રોથ આપ ઓર બતાએંગે. હમ લોગો કે લિયે ભી યે ટાઈમ કાફી ચેલેન્જિંગ થા. कोरोना के कारण से काफ़ी दिक्कतें थी. हम लोगों के चार ग्रोथ इंजन थे, ह्यूमन न्यूट्रासिटिकल, फूड डिवीजन, एनिमल फीड. तो ह्यूमन न्यूट्रासिटिकल के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है पिछले साल. प्रोबायोटिक जो हमारा सेगमेंट है ह्यूमन न्यूट्रासिटिकल का, उसका रिवेन्यू काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है. दूसरा जो एक बायोकैटलिस्ट वाला जो एरिया था उसके अंदर भी हमारा रिवेन्यू 78% ग्रोथ हुआ है. और जो जनरल ह्यूमन न्यूट्रासिटिकल है उसमें भी 11% का ग्रोथ हुआ. लेकिन जो हम लोगों के ऊपर प्रेशर्स थे वो एनिमल फीड के ऊपर थे और फूड डिवीजन के ऊपर थे, क्योंकि ये काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट ड्रिवन था. तो लॉजिस्टिक कॉस्ट प्लस ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, इन दोनों ने ये एरिया के अंदर ग्रोथ नहीं हुआ है बल्कि थोड़ा बहुत डिग्रोथ ही हुआ है. आने वाले समय में भी हम यही देखते हैं कि हमारा जो रिवेन्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, बट जब तक कोविड सिचुएशन क्लियर नहीं होता है तब तक बता पाना मुश्किल होगा. लेकिन हाँ, न्यूट्रासिटिकल एरिया काफ़ी अच्छा ग्रो होगा. आने वाले एक दो क्वार्टर में जरूर प्रेशर रह सकता है, बट ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि हमारा ग्रोथ इस साल भी ठीक ही रहेगा. ठीक है सर, अब हम बात करते हैं आपके जो दो सेगमेंट से, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल्स बताइए सर. कहाँ से ज्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में? डोमेस्टिक के अंदर हम जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादातर बायोकैटलिस्ट एरिया में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बायोकैटलिस्ट एरिया और प्रोबायोटिक, ये दो चीज़ों के अंदर इस साल भी हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बायोकैटलिस्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ एंजाइम्स डेवलप किए हैं जो कि कोविड रिलेटेड ड्रग्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में उनकी वो एंजाइम्स ही यूज होते हैं. तो हम आने वाले दिनों में उसके अंदर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. साथ ही साथ कुछ जो एंजाइम्स है वो आने वाले समय में कुछ APIs के लिए भी यूज होंगे, तो वो एरिया हमारे लिए आने वाले दिनों में भी अच्छा ग्रोथ होगा. और प्रोबायोटिक हमारा कंटिन्यूस ग्रोथ एरिया है. तो इन अ शॉर्टर रन हम लोग देखते हैं कि ये दो एरिया के अंदर से हमारा ग्रोथ काफ़ी ठीक रहेगा. इंटरनेशनल के अंदर हमारा जो B2C सेगमेंट है जो कि पर्टिकुलरली US में, वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में भी वो ग्रोथ होगा. आगे बढ़ते हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस पर, जो सब लोगों को काफ़ी दिक्कतें दे रहा है. आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या आप थोड़े से कंट्रोल होते हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके इन्फ्लेशन को, और स्पेशली इससे मार्जिन पर जो असर पड़ा है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए हमें. आने वाले समय में भी रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट इससे हम लोगों का अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट समथिंग अराउंड 20-22% है. सो 1-2% के अंदर हम लोगों को उसका दिक्कत आ सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ रॉ मटेरियल्स है वो 10-20% बढ़े हुए हैं इस समय, और लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ी हुई है. बट हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे जैसे यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो ये जो हाइक है उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे. सो हम लोग अभी भी यही सोचते हैं कि आने वाले 5 सालों में हमारा रिवेन्यू डबल करेंगे और हमारा जो EBITDA है वो 40-48% के बीच में रहेगा. ओके सर, आखिरी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा. आपने जो खास एक्विजिशन किया है JC बायोटेक के अंदर, जो अपना स्टेक बढ़ाया है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें सर. इसको किस तरह से यूज करेंगे एक्विजिशन को, अगर आप हमें बताएं तो. JC बायोटेक के अंदर हम लोगों का ऑलरेडी 70% स्टेक था, अभी हमने 85% किया है. हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो अवेलेबल जो फंड्स है उसका काफी प्रोडक्टिव ढंग से यूज किया जाए और जो JC बायोटेक की कैपेसिटी है उसको काफी अच्छे ढंग से आगे भी जाके यूज किया जाए. सो हम नए नए प्रोडक्ट वहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे रिसर्च में से बाहर आएंगे. और हमारा जो आइडियल कैश था जो कि म्यूचुअल फंड या इसमें पड़ा हुआ था, तो उसको हमने अच्छे ढंग से यूज करने के हिसाब से JC बायोटेक के फर्दर 15% स्टेक एक्वायर किया.